अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शेव्स नई बनाई थी रेड डर्ट की, तो मैंने कहा कि ब्लॉग जाके शुरू करते हैं। कलर तो कोई खास नहीं आ रहा रेड डर्ट का। रेड डर्ट तो काफ़ी अच्छा कलर है मेरा, लेकिन कलर कोई खास नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि चलो देखते हैं। अब ये मैंने बॉल्स बनाए थे कि ब्लॉग में क्रम्बल करूँगी। मौसम तो चेंज हो गया, ये है कि अब परसों की बनाई हुई हैं ये चीज़ें, शेप्स तो ड्राई नहीं हुई अभी। ये साइड थोड़ी सी साफ की है। और मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर सारे कैसे हैं आप सब? सुमैया खान, सना खान, सना खालिद, शबाना तहरीम और शाजिया और फातिमा आसिम और सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनका मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके नाम आहिस्ता आहिस्ता रब जहन में आते जाएंगे और मैं आप लोगों के लिए फिर क्रम लिंक करती जाऊंगी। ये देख लें, ये मैंने स्लैब्स बनाई थी प्योर डर्ट की। ये देखें, उठ के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, मैं इनको सीधा करके गई थी कि ये खुश्क हो जाए, लेकिन अभी कोई नहीं हुई खुश्क। ये साइड मैंने साफ कर लिए। ये प्योर एशीत वाला टेक्सचर है, प्योर चारकोल है। ये जो है ना, बिना बिल्कुल ये वेट है। देख, भी बहुत बहुत वेट है। ये देखें, दो तीन दिन हो गए इसको बने हुए, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल ही कोई पता नहीं चल रहा कि इसको धूप लगी भी है या नहीं। तो ये मड वाला न्यू टेक्सचर बनाया है, इसमें सीमेंट डाला था तो ये थोड़ा हार्ड हो गया है। दिन को मैं आई थी तो इसमें मैंने पानी डाल दिया कि ये दोबारा फिर हो जाए। पेस्ट बना के ना फिर छोड़ दूंगी। ये दो चंक्स जो है ना, ये ड्राई है तो इसकी मैं क्रम्बलिंग कर लूँ। ये मेरा पुराना टेक्सचर है, काफ़ी सॉफ्ट है। काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ पाउडर की तरह, इतना सॉफ्ट है ये देखो। ये ड्राई होने के लिए रखी हुई हैं स्लैब्स, जब ड्राई हो जाएंगी तो फिर इसकी भी साथ साथ क्रम्बलिंग करेंगे। तो इसको चेक करते हैं।
ये हार्ड है, ये देखे कितना हार्ड है। मैं पानी में रख के गई थी कि ये ना हो जाएगा गीला, लेकिन ये देख लें, इसमें सीमेंट डाला था ना, तो ये कोई नहीं। बाद में कर लूँगी इसको, अभी ये हार्ड है। उस साइड पे स्लैब की तरफ चलते हैं, वहाँ पे कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं, उनकी क्रमलिंग करेंगे और साथ साथ मैं टेक्सचर जो है अलग करती जा रही हूँ और उनकी शेप्स बनाती जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये वाली साइड जो है ना, ये वाली सारी साफ कर ली है मैंने, ये वाली रेड डर्ट वाली और ये प्योर डर्ट वाली, और ये एक शेप बनाई थी मैंने, दिन को बना के गई थी। इधर मैं जो है ना शेप्स रख लूं, फिर बाद में इसकी क्रमलिंग करती हूँ। ये शेप्स जो है ना मैं ले आई हूँ, थोड़ी सी काफ़ी क्रिस्पी सा टेक्सचर है ये। अब इसकी बारी है, इसकी शेप्स बनाऊंगी। ज़्यादा बखेड़ा नहीं डाल रही इसलिए कि फिर मैं ना उसको संभाल नहीं सकूंगी। आहिस्ता इसमें वाइट कलर का स्टोन है, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का, इसलिए ये काफ़ी क्रिस्पी सा। ये सारा इकट्ठा करूंगी और इसकी शेप्स बनाऊंगी। और ये वाला वाइट टेक्सचर, बहुत सॉफ्ट है ये भी। जब वीडियोस बनाऊंगी ना फिर मैं माइक का यूज़ करूंगी, अभी नहीं कर सकती क्योंकि फिर आवाज़ जो है ना फिर भी सही नहीं आएगी। अगर मुंह की तरफ करूं तो फिर आएगी आवाज़ सिर्फ मेरी और टेक्सचर की आवाज़ नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा काम था ना, बखेड़ा जो है ना पड़ा हुआ था, इस वजह से दिल भी नहीं करता देख देख के कि कैसे करूं। देखिए कितना सॉफ्ट है। बस जो शेप्स थी ड्राई तो उनकी मैंने क्रमलिंग कर रही है, अभी इंशाल्लाह ताला फिर हो जाएंगी। जब शेप्स ड्राई तो फिर मैं उनकी वीडियो भी न्यू बनाऊंगी। तो आप लोगों ने अच्छा सा रिस्पांस देना है, मेरी वीडियोस को देखना है, व्लॉग को देखना है, पसंद करना है और अच्छे अच्छे ज़्यादा से व्यूज़ देने हैं ताकि मेरी जो वीडियो है ना वो अच्छा चले और अच्छा रिस्पांस दे और ग्रो हो चैनल। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखते हैं कल भी
बीकॉम तो शुरू हो गया है ना, अभी मैं इनकी शेप्स, मेरा दिल है मैं सैंड सीमेंट की बना के जाऊंगी, एक टेक्सचर की एक एक करके बना रही हूँ, क्योंकि फिर ना ज़्यादा काम करूँ ना तो फिर मुझे ना वो ना मैं थक जाती हूँ। तो काम काफ़ी अरसे के बाद शुरू किया ना, इस वजह से मुझे ना ऐसे फील होता है कि मैं थक गई हूँ, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से काम को मैं शुरू कर रही हूँ कि इतना पता ना चले। बाकी की पता है आपको, घर के काम होते हैं फिर क्या करें, वो भी करने हैं वो, यही अगर यही काम हो फिर तो कोई मसला नहीं है। यह है कि घर का सारा काम भी करना है और ये भी काम करना है, तो इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ कि ये मुझे ना कोई हेल्थ इशू अब फिर ना हो। तो ठीक है, आप लोगों ने दुआओं में मुझे भी बहुत सारा याद करना है और अपना भी खूब सारा ध्यान रखना है। अल्लाह हाफिज़।